वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, तुसीं देख रहे हो दा पंजाब लाइव। अज आपां बड़े महत्वपूर्ण विषय ते तुहाडे नाल सांझ पाउण लगे हाँ। मनुख दे भाग जागण तो पहलां सतगुर सच्चे पातशाह जी सानूं कोई संकेत दिंदे ने। इन्हां विच्चों कुछ संकेत साडी समझ च पै जांदे ने, आपां उस मुताबक मेहनत करन लगदे हाँ, उस मुताबक आपां सतगुरु जी दी उस्तत करन लगदे हाँ, ते सानूं उसका मुल मिल जांदा है। कई बारी असी सतगुर सच्चे पातशाह जी की दित्ती संदेश दित्ती सलाह नूं नहीं समझ सकते, ते असी बहुत सारे सुनहरे मौकियां नूं अजाई गवा दिंदे हां, भुल चुक साडे तों हो जांदी है। सो इस विशे ते अज आपां गल करनी है कि सतगुर सच्चे पातशाह जी किस तरह के संकेत किस तरह के संदेश दिंदे ने, ते उह असी किस तरह समझने ने, ते किस तरीके नाल असी समझ के उहनां दा वध तों वध लाहा उठा सकते हैं। सब तो पहली गल तो यह है कि सतगुर सच्चे पातशाह परमात्मा जदों साढ़े ते मेहरबान हुंदे ने, ते ओ सानूं बेअंत दातां दिंदे ने, भाव ओ जो कुछ सानूं दिंदे ने उहदे उत्ते कोई सीमा नहीं हुंदी, कोई उसकी हद नहीं हुंदी। ओ किसे भी रंक नूं राजा बना सकते ने जदों ओ देण ते आउंदे ने, ते जदों लैण ते आउंदे ने ते राजे नूं वी झट फकीर बना दिंदे ने, राजे नूं झट मसकीन वी बना दिंदे ने। एक मनुख नूं कामयाबी तक पहुँचने लई कोई नहीं रोक सकता जदों सतगुर सच्चे पातशाह जी उहदे उत्ते मेहर करदे ने। रब भी मनुख नूं कामयाब होण तों पहलां संकेत दिंदे ने। कई धर्मां दे विच, कई पुरातन ग्रंथां दे विच इस चीज़ नूं तरीके तरीके दे नाल अपने अपने ढंग दे नाल बयान कीता होया है। सानूं कई वारी संकेत सुपनियां दे राहीं मिलदे ने। सुपनियां दे विच जेकर सानूं पावन पवित्र चीज़ां दे दर्शन हुंदे ने, पावन पवित्र चीज़ां दे दर्शनां दे नाल नाल सानूं सुपने आउंदे ने कि असीं कमाइयां कर रहे हां, कोई नवीं चीज़ लै रहे हैं, कोई नवीं चीज़ खरीद रहे हैं, पैसे बनाउण दे, कमाई करन दे, नवें नवें हीलियां दे, वसीलियां दे, साधनां दे जेकर सुपने आउंदे ने, तां आपां समझ लईए कि सतगुर सच्चे पातशाह जी साडे उत्ते मेहरबान ने, साडे उत्ते कृपा कर रहे ने, ते सानूं उस मुताबक इस दित्ते संदेश नूं संकेत नूं समझ के अपनी जिहड़ी आप कमाई कर रहे हां, आपां मेहनत कर रहे हां, हार्डवर्क कर रहे हां, उसनूं दुगुणा चौगुणा करिए, नाल दी नाल सतगुर सच्चे पातशाह जी की उस्तत पूजा अर्चना आराधना दे विच भी आपां तेजी लईए, होर ज़्यादा नितनेम करन लग जाइए। हुंदा की है, सतगुर सच्चे पातशाह जी ने जद भी कृपा करनी हुंदी है उह सानूं इस तरीके दे संदेश दिंदे ने, ते आपां नूं समें दी नब्ज पछाण के अपनी मेहनत अते नितनेम नूं होर ज़्यादा कर लेना चाहीदा है। दूसरा मुख संकेत की हुंदा है, कई वारी सानूं सतगुर सच्चे पातशाह जी साडे दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां संबंधियां करीबियां दे रूप दे विच संकेत दिंदे ने। कई वारी हुंदा ना कि आपां कितें बैठे होईए, भावें किसी सुख दे मौके बैठे होईए, जां वैसे किसी दोस्त मित्र कोई सानूं मिलना आया होवे, सानूं अक्सर कहिंदा कि आ फलाणा कम कर लै, इहदे विच लाभ प्राप्त होवेगा। जां कई वारी साडी कोई खास जाण पछाण वी नहीं हुंदी, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਫਲਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਚੌਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਵਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
तीजी जिहड़ी संकेत है, तीजा जिहड़ा सतगुरु जी का फरमान है, वह है कि साढ़े मन के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रति बहुत ज़्यादा प्यार उमड़न लगता है। साडा दिल करता है कि असी लगातार पाठ सुनी जाइए, कीर्तन सुनी जाइए, कथा सुनी जाइए। साडा अपने आप मन करता है कि असी गुरद्वारा साहब जाइए। साडा अपने आप मन करता है कि असी गुरबाणी खुद पढ़िए। उदों समझो कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी साढ़े ते मेहर कर रहे हैं। कई बार होंगे ना कि असी कोई काम भी कर रहे हैं, काम करदे करदे काम च भी बहुत सोहना ध्यान लगा है, तो नाल दी नाल साडा दिल कर रहा होंदा कि कन्नां दे विच गुरबाणी पवे। इहदा भाव सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानूं संदेश देंदे ने, संकेत देंदे ने कि आप दे काम दे विच भी ध्यान तू ला, ते नाल दी नाल परमात्मा दे चरणां दे विच उहनां दी उस्तत वल भी ध्यान ला, ते जरूर अगला समां जिहड़ा भविख है वह साडा रोशन होवेगा, भविख दे विच असीं कामयाबियां हासिल करांगे।